खबर गाजीपुर जखने से, जहां सिद्ध पीठ हथियारा मठ में शारदीय नवरात्र के नौवे दिन नव दुर्गा का पूजन कर महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज के द्वारा कन्या पूजन किया जाता है। आज के दिन कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन इत्यादि वस्त्र पुष्प द्रव्य देकर विदा किया जाता है। आज के दिन महाराज जी द्वारा कन्या पूजन उत्सव के शुभ अवसर पर एक बड़ा भंडारा किया जाता है। इसके साथ साथ कल विजयदशमी का पर्व परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। वही कल 15 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगमन को लेकर तैयारियां चरम सीमा पर हैं। कहीं पर रोड की मरम्मत हो रही है, कहीं हेलीपैड बनाया जा रहा है, कहीं रास्ता बनाया जा रहा है, तो कहीं टेंट लगाया जा रहा है। सारी तैयारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आने के उपलक्ष्य में की जा रही है, जिसकी देखभाल के लिए उप जिलाधिकारी जखनिया, क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा, नायब तहसीलदार जखनिया इस कड़कड़ाती धूप की परवाह किए बगैर सारे कार्यों की समीक्षा के लिए इधर से उधर पैदल निरीक्षण करते नजर आए। इनके साथ खंड विकास अधिकारी जखनिया व एडीओ पंचायत मोहम्मद फैज अहमद ब्लॉक के सभी सफाई कर्मियों को लेकर सफाई अभियान में मुस्तैदी से काम को अंजाम देते नजर आए। डिप्टी सीएम के आने की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। गाजीपुर जखनिया से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट। आज के दिन महाराष्ट्र द्वारा कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन का बहुत ही महत्व है।